हाँ तो व्लॉग शुरू कर ले, करें या नहीं करें बोलो। हेलो, वेलकम बैक, वेलकम बैक। नहीं स्टार्ट करना, अभी समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो। यही हाल मेरा है कि सुबह से लेके शाम हो जाती है और मैं सोचता रह जाता हूँ कि व्लॉग कैसे स्टार्ट करूँ, क्या चीज़ आपको दिखाऊँ और किस तरीके से बिगनिंग करूँ। तो इसी गड़बड़ी के चक्कर में रात हो जाती है, अगला दिन हो जाता है और व्लॉग मैं बना नहीं पाता। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। लाइफ में एडवेंचर चाहे रोड पे हो या फिर घर में बने रहना चाहिए, तभी जिंदगी जीने में ज्यादा मजा आता है। I need you with me by my side. काफी सारे लोगों के ये सवाल रहता है कि सैम भाई, भाभी होते हुए भी आप इतने सारे काम क्यों करते हो और भाभी काम क्यों नहीं करती है। दूंगा यार आने वाले टाइम में, मतलब अब रेगुलर ये व्लॉग्स बनते रहेंगे तो एक एक करके सबके सवालों के जवाब अपने आप मिलते रहेंगे। हटो हटो बिल्ली, ये पता यहाँ क्यों खड़ी है? क्योंकि इसको ना इसके अंदर से एक टमाटर चाहिए। नहीं चाहिए आज? हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ वसूलना होता है। जैसे हम लोग ट्रिप पर गए थे तो तुरतुक वाली विलेज से पहले ही बच्चों ने घेर लिया कि हमें टॉफ़ी दो तभी हम आगे जाने देंगे। और सेम एज इट इज, जितनी बार भी फ्रिज खुलता है और बिल्ली यहाँ अवेलेबल होती है तो इसको एक टमाटर ज़रूर चाहिए होता है, वरना देख लिया गेट भी बंद होने ये नहीं दे रही थी। पसीने आ गए, गर्मी बहुत हो रही है, सब कुछ बंद किया हुआ है क्योंकि फिर विंड नॉइज़ रिकॉर्ड होता है। और यहाँ देखो इसको, ये क्या भाई, थक गए क्या? वो बॉल बाउंड्री के बाहर है क्या? तो जब से बिल्ली हमारे घर के अंदर रही है ना, मतलब ऐसा हो गया कि एक छोटा बच्चा हमारे घर के अंदर आ गया है। इसकी शैतानियाँ मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है कि भाई साहब इतना नुकसान कर दिया, लेकिन बाद में हंसाती भी बहुत है। और फिलहाल जो हम लोग पेंगोंग लेक नहीं जा पाए उसके पीछे सिंपल सा रीज़न था कि अपनी बाइक ख़राब हो गई थी, तो उसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि जो पेंगोंग लेक है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफबीट प्लेस था और वहाँ पे काफ़ी सारा एडवेंचरस भरा रास्ता था। वो बोलते ना ट्रस्ट होना चाहिए अपनी बाइक पे, वो मैं नहीं कर पा रहा था। और दूसरी चीज़, बाइक ख़राब हो जाती बीच रास्ते में, टो करने का करीबन 40-50 हज़ार रुपये लग जाता और साथ के साथ हम लोग परेशान अलग जाते और जो इंजॉय करने का टाइम होता वो भी नहीं कर पाते। अभी ये एक बिस्किट इसको दिया है और ये छुपाने आई है, बस बस बस, तेल निकल आएगा, पेट्रोल निकल जाएगा। अरे बिल्ली बस, छुप गया बिल्ली, छुप गया। अच्छा ढक भी रहे हो, ये देखो इतनी देर के बाद, इतनी देर मेहनत करने के बाद अभी मैडम खा रही है, क्योंकि इसे पता लग गया ना मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये बहुत चलाक हो गया है, मतलब अभी जब ये टमाटर आगे लेके घूम रही थी ना तो यूँ देख रही थी, यूँ करके इसको पता लग गया कि मैंने कैमरा इसकी तरफ घुमाया ना, तुरंत छोड़ के साइड बैठ गई। बहुत चालू हो गई है, बहुत चालू। आप चाहे ट्रिप पे हो चाहे घर में, भाई साहब चेस किए बिना तो रहा नहीं जाता। और ओहो, चाय की सुड़की के बिना तो वैसे ही नहीं रह सकते यार। तो ट्रिप पे जाने से पहले मैंने कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा और रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करूँगा तो अपनी फैमिली से मिलाऊँगा। तो चलो आज आपको अपनी फैमिली से मिलवा ही देता हूँ। सबसे पहले मैं मिलाता हूँ अपनी माता जी से। तो ये है मेरी माता जी। नमस्ते। और फुल एंड फाइनल, कितने लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाभी से मिलाओ, भाभी से मिलाओ, तो चलो आज आपको आपकी भाभी से मिला ही देते हैं। तो ये है आपकी भाभी जी। हाय। बस हाय, मतलब इतने टाइम से लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है, बस हाय बोल के छोड़ दिया।
तो ये इनका भी कैमरे पे फर्स्ट टाइम है और ये लोग बहुत ज़्यादा शाये हो रहे हैं। पहले तो मना ही कर रहे थे कि हम लोग नहीं आएंगे नहीं आएंगे, और उसके बाद जैसे तैसे करके वो ना हाथ पैर जोड़ के मैंने मनवा ही लिया। तो धीरे धीरे ये लोग भी कैमरे के एडिक्टेड हो जाएंगे, जैसे आपका भाई थोड़ा बहुत हो गया है, जितना मैं अभी हो गया हूँ इतना इन लोगों को भी जल्दी कैमरे से इनकी दोस्ती करवा दूंगा। और ये है बिली जो हो गई है बहुत ही ज़्यादा शैतान। हाँ भाई क्या हो रहा है, ये बिस्किट खाए जा रहे हैं। इसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो दुनिया में, अपना खाते रहो, नुकसान करते रहो और अपने दांतों को आराम देते रहो चबा चबा के। तो फिलहाल आज मैंने आपको अपनी फैमिली से मिलवा दिया है। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ना ये सवाल चल रहे होंगे कि सैम भाई आपने भाभी को कैसे छुपा के रखा, आई मीन इतने टाइम से व्लॉग बनाते थे तो जितनी भी ये सारी बातें हैं, और भाभी इतने टाइम से आपके व्लॉग में क्यों नहीं दिखी। तो जितने भी ये सवाल है ना, ये कमिंग वीडियोज़ में एक एक करके मैं सबको देता जाऊंगा। इस एक व्लॉग में आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, आप बाकी सबके सवालों के जवाब एक एक करके मिलते जाएंगे। तो यहाँ भी दोनों माँ बेटी अपनी पूजा कर रही हैं। तब तक हम अपने ऑफिस में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। जब से ये ऑफिस मैंने बनाया है भाई साहब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है, तुम्हारी भाभी को कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। मुझे जितना लंबा भी काम करना है, मतलब पूरी रात भी अगर मेरे को एडिटिंग करनी है तो मैं आराम से बैठ के करता रहता हूँ, ना मम्मी को डिस्टर्ब होता है ना ही आपकी भाभी को। वैसे काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सैम भाई इतने छोटे घर में क्यों रह रहे हो, और मैंने बोला भी था कि यहाँ रहने का रीज़न था। तो जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ उसे लगभग करते हुए मुझे 12 साल हो गए थे, और 12 साल में क्या हुआ कि जब एक टाइम आता है कि आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हो और आपको अपने आप ही दिख जाता है कि अभी अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो एकदम से ग्रोथ मिलेगी और जितनी भी प्लानिंग्स है वो सारी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यही देखते हुए मैंने क्या किया, अपने बिज़नेस में ऑलमोस्ट जितना भी मैंने कमाया था वो सारा इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से नोटबंदी हो गई, एंड नोटबंदी के बाद एकदम से आपको पता है कि मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई। नोटबंदी के बाद 6 महीने तक बिल्कुल भी काम नहीं था, और जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा वहीं स्टॉप हो गया, कोई भी काम नहीं हुआ। देन धीरे धीरे करते हुए जैसे जैसे करके हम लोग आगे बढ़ते रहे, फिर अचानक से GST आ गया। GST की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते एक साल और निकल गया। तो जैसे ही मार्केट स्टेबल होने लगी थी तो मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, देन कोविड आ गया। और कोविड के आते ही जितनी भी मेरे पास बुकिंग्स थी और जितनी भी मैं इवेंट्स वगैरह कर रहा था सारे कैंसिल हो गए, और उसके बाद मेरी दुकान पे लग गया ताला। तो जो पहला लॉकडाउन लगा था उससे ठीक 10 दिन पहले मेरी जितनी बुकिंग थी वो सब कैंसिल हो गई और दुकान पे ताला लग गया, और स्टिल अभी तक दुकान पे ताला लगा हुआ है क्योंकि सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मेरा कॉर्पोरेट रिलेटेड वर्क था, जितने भी इवेंट्स वगैरह होते थे, स्कूल्स के एनुअल फंक्शंस वगैरह होते थे, इस तरीके का मैं काम करता था, फैशन शो वगैरह, तो ये सब कुछ बंद हो गया और अपने हाथ से बिल्कुल सब कुछ निकल गया। और इतने बीच में क्या हुआ, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर कंटिन्यू रनिंग ना रहे तो वो सारा खराब हो जाता है। तो धीरे धीरे करके सारे इक्विपमेंट सब खराब होने लग गए, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स खराब हो चुके हैं जिनको मैंने कबाड़े के भाव में बेचा है। बिल्कुल नया माल था और बहुत एक्सपेंसिव था जिनको मैंने अभी कबाड़े के रेट में बेचा है, और अब मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें ठीक होंगी और मैं दोबारा मार्केट में वो बिज़नेस कर पाऊँगा। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एकदम से कैसे चेंजेस आता है और सारी चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं, तो अभी मार्केट में अपग्रेडेड चीज़ें आ गई हैं, तो नया माल लेने के लिए अभी मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्ट में मैं तभी करूँगा जब काम होगा, जब काम ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं बनता, और मैं अपनी सारी सेविंग्स पहले ही लगा चुका था। तो ये चलो ज़िंदगी में एक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सीखने को मिलता रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने को मिल गया दूसरा रास्ता, तो इसी में मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, 2-3 साल बाद मेहनत करके आगे बढ़ के फिर दोबारा अपना घर को भी अपग्रेड कर ही लेंगे। तो आज का व्लॉग बस यही था, सिंपल सा सादा सा, आपको अपनी फैमिली से मिला दिया, आपने इस घर में रहने की वजह भी बता दी कि क्यों मैं रह रहा हूँ। तो अब आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा, और जितने भी आप लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं अभी वो भी एक एक करके क्लियर होते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं, छोटा सा व्लॉग बनाया था, कल फिर मिलते हैं क्योंकि अब रेगुलर मुलाकात होती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके फॉलो कर लो। फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, टिल देन गुड बाय।